हज़रत ताडे वालिद साहब ताडे वास्ते मदीने शरीफ से तोहफा लैके आन, टोपी भी हो सकती है, तस्बीह भी हो सकती है, जाए नमाज भी हो सकता है। अगर तुसी उस तोहफे नूं ज़ाया कर दिओ, उहदी कदर ना करो, यार तोहफा लियाण वाला खुश होएगा कि नाराज़ होएगा? थोड़ा जिहा उच्ची आवाज़ ना बोलो, होर उच्ची आवाज़ ना बोलो। ये तो पता चलिया जेड़ा मदीने शरीफ से तोहफा लियाया जावे, अगर उसकी कदर ना करो तो तोहफा लियाण वाला नाराज़ हो जाएगा। यार कभी सोचा जे नमाज कितों का तोहफा वे? ये तो ला मकाना का तोहफा वे, ये तोहफा भेजन वाले रब्बुल आलमीन ने ते लियाण वाले रहमत लिल आलमीन ने। अज़र साहब जेड़ा इस तोहफे नूं ज़ाया कर दे, इसकी कदर ना करे, रब ताला उते राजी हो जाएगा? उची बोलो यार, उहदा महबूब उते राजी हो जाएगा? ते असीं इत्थे बैठे कादे वास्ते आ यार? इन्नी देर दे असीं इत्थे बैठे आ, मकसद की इत्थे बैठण दा? इत्थे बैठण दा मकसद ही इहो ही है, साडे ते रब वी राजी हो जाए, उहदा महबूब वी राजी हो जाए। असी बिस्तर छड़ के इत्थे आए हैं, मकसद आवे कि रब राजी हो जाए, उहदा महबूब राजी हो जाए। तो सानू नुस्खे का पता चल गया कि जेड़ा चाहता वे मेरे ते रब राजी हो जाए, उहदा महबूब भी राजी हो जाए, उन्हें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। तो फिर आज तो बाद सारे नमाज की पाबंदी, सारे की आवाज़ नहीं आ रही यार, आवाज़ पता क्यों नहीं आ रही? हज़रत साहब वो कहने असी कह दिता तो नमाज पढ़ांगे किवें? चलो तुहानू मैं नमाजी बनन दा नुस्खा भी दस दिया, जेड़ा इस नुस्खे नू इस्तेमाल कर ले पक्का नमाजी बन जावे। क्यों जी, लोड़ है नुस्खे दी? वो पिछले दी आवाज़ नहीं आ रही, सब नू लोड़ है। लो जी, नुस्खा सिर्फ इन्ना है जे कि अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, कि मैं आख्या जी अगर ये वजूद, थोड़ा जिहा उच्ची आवाज़ ना मिला, अगर ये वजूद तो इस वजूद नू रब दा रिजक ना खवाओ, ना रोटी खवाओ ते ना पानी पियाओ। गल भी मैं सच्ची कर रहा वा, जेड़ा वजूद रब दे अगे नहीं झुकदा, क्या वो इस काबिल है वे कि रब का रिजक खवाया जावे? और रोटी सामने रखी अपने मुँह से फड़ के ले जाओगे जो मत ले जाओ, ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद चो रोटी। की ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे हाथ उच्चा चुक के बुलंद आवाज नाल इंशाल्लाह दा नारा ला दियो, आज के बाद हमारी कोई नमाज कजा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते। एक बंदा कह रहा मैं तो कुरान ही नहीं पढ़िया हुआ, मैं कहा तू सवेरे उठ के कुरान पाक का दीदार ही कर लिया कर, रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर पांच नमाजा पूरियां ना कर लो। हज़रत साहब मेरे बयान यूट्यूब ते फेसबुक ते पूरी दुनिया से जानते ने, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक क्लिप सीजन देख के पता नहीं किन्ने हज़ार बेनमाजी नमाजी बन गए यार। वो क्लिप का टाइटल सी मेहमान की तीन किस्में। किन्निया किस्म? पहली किस्म मेहमान आ जाए इसी कहने जावे ना, और बह जाओ जल्दी रोटी खा के जाना, चाह पी के जाना, एडी काली खा दिए, ये पहली किस्म है। दूजी किस्म आ जाए मैं कहना फटाफट निकले, अच्छा यार कोई ज़रूरी गल है तो फोन ते कर ले, निकलो फटाफट। ते तीजी किस्म मैं कहना मेरे घर च वड़े ही ना। मेहमान दिया किन्निया किस्म ने? पहली किस्म आ जाए तो असं कहना साढ़े घर चो जावे ही ना, दूजी किस्म आ जाए असं कहना फटाफट निकले, देसी किस्म असी कहना साढ़े घर च यार मच्छर कि घर है? उची बोलो।
ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਅਗਰ ਮਸੀਤੇ ਗਏ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤੇ ਆਇਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੋਂਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤੇ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਆਂਸੂ ਵਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼